अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है पिस्ता और दिल। अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने इस दुनियाए गुलोबो के अंदर मेवाजात, नबातात और दीगर बहुत सारी चीजें तख्लीक फरमाई हैं, लेकिन इन तमाम चीजों में से मेवा जात की अफादियत से इनकार कतन मुमकिन नहीं है। खा ये महंगे होने की वजह से आम आदमी की दस्तरस से बाहर ही क्यों ना हो, इंसानी सेहत की बेहतरी में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मेवा जात मसलन काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट का खाने पकाने में इस्तेमाल तो आमतौर पर अब उमरा तक महदूद हो गया है, और वही मेहमानों की खातर तवाजों में इन मेवाजात से मदद लेते हैं, लेकिन सर्दियों में पिस्ता खाने का लुत्फ ही कुछ और है, जो उमूमन जायका तब्दील करने की गर्ज से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सेहत के लिए किस हद तक फायदा मंद साबित होते हैं, इसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पिस्ता आपकी ग़िज़ा का हिस्सा है तो वो बहुत वाज़े तौर पर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के साथ ही शरियानों के सुकड़ने और तंग होने के अमल को भी रोक देता है। साइंसदानों का ख्याल है कि 1 से 2 मुट्ठी पिस्ते भी किसी आम से फर्द पर नुमाया फर्क डाल सकते हैं और अमराज़े कल्ब में मुबतला होने का खतरा बहुत बड़ी हद तक कम कर देते हैं। इस हवाले से किए जाने वाले एक मुशाहिदे में रजाकारों का योमिया जस्ट 3 औंस की मिकदार में पिस्ते खिलाए जाना सिर्फ 1 माह के बाद जब उनके असरात का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उनके मजमुई ब्लड कोलेस्ट्रॉल में 8% के करीब कमी वाकई हो चुकी है, जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल की सतह 11.5% नीचे गिर चुकी थी, जिसे उर्फ आम में LDL कोलेस्ट्रॉल के नाम से याद किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के माबेन तवाजन पैदा हो गया था। पिस्ते की मदद से तैयार करदा गिजाओं को इस्तेमाल करने वाले शुरका में सिर्फ 4 हफ्तों के बाद HDL के मुकाबले में LDL की मिकदार बहुत कम रही, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये मेवाजात इंसानों को बीमारियों से बचाने में किस कदर मुआवनत कर सकते हैं। HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल खतरनाक नहीं, बल्कि ये इंसानों को बीमारियों के खिलाफ तहफ्फुज फराहम करता है, और दोनों इकसाम के कोलेस्ट्रॉल की कम निस्बत सेहतमंदी की इलामत समझी जाती है। मुशाहिदे के दौरान रजाकारों को हर रोज स्नैक के तौर पर पिस्ते खिलाए गए, जबकि उन्हें जो दीगर गिजाएं फराहम की गई उनमें भी पिस्ते शामिल किए गए थे। एक मुहक्किक के मुताबिक 1.5 से 3 औंस महज 1 से 2 मुट्ठी पिस्तों का इस्तेमाल अमराज़े कल्ब के खतरात को LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी करके रफ्ता रफ्ता खत्म कर देता है, जबकि जायद मिकदार में पिस्ते खाने से नुमाया तौर पर लेपोप्रोटीन का तनासुब भी कम होने लगता है। पिस्तों की 2 खुराकों के माबैन फर्क देखकर खुशी महसूस हुई, जिससे लेपोप्रोटीन के तनासुब में कमी पाई गई। और काबिले जिक्र बात यह है कि पिस्ते की वजह से ये असरात मुरतब हुए। आप जान सकते हैं कि पिस्ते में बहुत बड़ी मिकदार में पौधों से हासिल शुदा एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटीन पाया जाता है, जो कि आमतौर पर हम गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से ही हासिल कर सकते हैं। पिस्ता वस्त एशिया, ईरान और मगरबी एशिया का मुकामी पौधा है, वहां से दूसरे मुमालिक और इलाकों में यह फैल चुका है। इसे अहमियत के हामिल फसल के तौर पर देखा जाता है। कैलिफोर्निया में पिस्ते की पहली मर्तबा काश्त तजारती बुनियादों पर 20वीं सदी में मुकम्मल हो सकी थी, जबकि इसी अरसा में यह तजर्बात ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाबी से किए गए थे। लफ्ज पिस्ता दरअसल निस्बतन कदीम फारसी के लफ्ज पिस्ताक से निकला और यूरोपीय जुबानों में भी मुमासल नामों से राइज हो गया। तो पिस्ता के जहां बेशुमार फवायद हैं, उनमें से हार्ट अटैक का तहफ्फुज, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और इसी तरीके से फालज और लकवे का तहफ्फुज एक बहुत अच्छे अंदाज से
आप पिस्ते के जरिए कर सकते हैं। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें पिस्ता खाने की तौफीक अता फरमाए और जिन भाइयों को मयसर नहीं उनको अता फरमाए। जस्ट एक पिस्ता से 3 पिस्ते तक डेली का खाना 1 महीने तक आपको 1 साल तक कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर और इसी तरीके से हार्ट अटैक और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज किया कि फालच और लकवे जैसे अमराज से आपको महफूज कर देगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।